Good morning, students. Welcome in my class. In our last class, we already completed our chapter. So now, today we are going to discuss about exercise of this chapter. So our first question is, choose the correct options. In the main source of water is, water का main source है, वो क्या हो गया? Rain. ठीक है. Now, which of the following is a perennial rivers? इनमें से perennial rivers कौन सी है? So, it is Ganga. Now, next we have is, what are made to check the flow of rivers? ठीक है. Flow of, मतलब rivers का जो water है, उसको collect करने के लिए क्या use किया जाता है? क्या बनाया जाता है? So, it is dam. Next we have is the puddle of water shrinks due to the process of जो puddle होता है water का वो क्या हो जाता है धीरे धीरे shrink हो जाता है और जो shrink होने की जो process है उसको हम क्या कहेंगे evaporation ठीक है now next we have is perennial rivers are also called as perennial rivers उसी river को हम क्या कहेंगे snow fed rivers ठीक है क्योंकि ये snow के melt होने से flow होती है Now, next we have is, write E, if it is evaporation, अगर ये जो activities आपको दी हुई है, evaporation से हो रही है, तो आपको E note करना है, और अगर ये condensation से हो रही है, तो आपको C note करना है. So now, the first question is, shrinking of a puddle of water. ठीक है? जो water का puddle है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? Shrink हो रहा है. ठीक है? और इस puddle के shrink होने की जो मतलब, जो श्रिंक होता है ये तो किस वजह से होता है क्योंकि इवापोरेशन हो रहा है ठीक है वाटर है वो वेपर बन गया तो ये अपने आप श्रिंक हो गया नाउ नेक्स्ट वी हैव इज मेकिंग आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क मिल्क से आइसक्रीम बनाने की जो प्रोसेस है वो कौन सी हो गई सी कंडेंसेशन नाउ नेक्स्ट वी हैव इज स्नोफॉल इन कश्मीर इन कश्मीर ठीक है कश्मीर में स्नोफॉल होना क्या हो गया कंडेंसेशन ठीक है नाउ नेक्स्ट वी हैव इज ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स ठीक है जो वेट क्लोथ्स हैं वो क्या हो गए ड्राई हो गए ठीक है तो उन वेट क्लोथ्स के ड्राई होने की जो प्रोसेस है वो किस वजह से होती है इवापोरेशन क्योंकि जो वाटर क्लोथ्स के अंदर होता है वो क्या बन जाता है वेपर बन जाता है वेपर बन के और एटमोस्फियर में चला जाता है सो ये जो प्रोसेस है ये क्या हो गई ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स नेक्स्ट स्ट्रीम प्रोडक्शन ऑन हॉट कप ऑफ टी टी का जो हॉट कप होता है उसमें क्या होता है स्टीम प्रोडक्शन होता है ठीक है तो वो कौन सी प्रोसेस है उसमें भी क्या होता है कि जो वाटर है वो क्या बन रहा है वेपर बन रहा है तो ये प्रोसेस भी क्या होगी वाटर के वेपर बनने की जो भी प्रोसेस है वो क्या हो गई इवापोरेशन ठीक है नाउ Next we have is tick the correct and cross the incorrect statement. Now, next we have is evaporation decrease which increase in temperature. Evaporation जो है, ठीक है? जब decrease होता है तो कब होता है ये? जब temperature में increase होता है. So it is incorrect. Now next we have is The Ganga is a rain-fed river. Ganga जो है वो एक rain-fed river है. So it is cross क्योंकि वो snow-fed river है. Now next we have is water vapor changes to liquid on cooling. Water vapor जब भी cool होता है तो वो किस में change हो जाता है? Liquid में change हो जाता है. So it is correct. Now next we have is dam is an artificial lake. जो dam है वो क्या एक artificial lake है. So it is also incorrect. Now, next we have is answer the following questions. So, our first question is describe the different sources of water. ठीक है? अभी अपने को क्या करते हैं? Different type के जो sources हैं, उनके बारे में अपने उनको अपने को describe करना है. So, now, as you can see here, sources of water. Now, rain is the main source of water. ठीक है, अपन बात करें different type के जो sources है water के, उनके बारे में. ठीक है, तो rain क्या है? Main source of water है. किस तरह से rain
मेन सोर्स ऑफ वाटर है, इसके बारे में पहले ही स्टडी कर चुके हैं अपने चैप्टर में, अच्छे से इसके बारे में बात की है कि कैसे इसे ग्राउंड वाटर होता है, कैसे इसे सरफेस वाटर होता है, ठीक है। नाउ ए पार्ट ऑफ रेन वाटर सीव्स इनटू द सॉइल टिल इट रीचेस ए लेयर ऑफ सॉलिड रॉक, हियर इट कलेक्ट एज अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। तो रेन वाटर का एक पार्ट जो है वो तो कहाँ चला जाता है, सॉइल के अंदर चला जाता है, ठीक है। और ये मतलब जो सॉलिड रॉक्स जो होते हैं उसकी लेयर से ये कहां पहुंच जाता है, मतलब एक जगह कलेक्ट हो जाता है और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में ये कलेक्ट हो जाता है। फिर उसी वाटर को हम ट्यूबवेल, वेल, हैंडपंप्स वगैरह से उस वाटर को निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे जो वाटर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस इज कॉल्ड सरफेस वाटर, ठीक है। तो जो वाटर जो मतलब लेक्स रिवर्स से जो वाटर मतलब इनका ये जो वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है रेन के थ्रू, ठीक है, तो इस वाटर को हम क्या कहेंगे, सरफेस वाटर, ठीक है। तो मैन इसके ये जो अपने सोर्सेज ऑफ वाटर देखा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज और नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the difference between condensation and evaporation? Condensation and evaporation की जो प्रोसेस है उन दोनों में अपने को डिफरेंस बताना है, ठीक है। नाउ इन इफ वाटर इज हीटेड फॉर सम टाइम, अगर कुछ देर तक आप वाटर को हीट करते हो, इट स्लोली डिसअपियर्स, ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑन हीटिंग वाटर चेंज इंटू वाटर वेपर, ये क्यों होता है, क्योंकि हीट करने पे वाटर जो है वो किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन, और इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, इवापोरेशन। बट इफ वाटर इज कैप्ट इन द फ्रीजर ऑफ रेफ्रिजरेटर, लेकिन अगर आप वाटर को रेफ्रिजरेटर में रखोगे, इट चेंजेस इनटू आइस, ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाता है, आइस में। आइस इज ए सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, क्योंकि आइस क्या है, वाटर की सॉलिड फॉर्म है। दिस प्रोसेस इन विच वाटर वेपर चेंजेस टू वाटर, ठीक है, और ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर है वो किस में चेंज हो जाता है, वाटर में, एंड देन टू आइस, और फिर ये किस में चेंज हो जाता है, आइस ऑन कूलिंग, जैसे हम इसको कूल करते हैं तो ये आइस में चेंज हो जाता है, इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन, ठीक है। तो इस टाइप से कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन की जो प्रोसेस है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो वाटर साइकिल की प्रोसेस है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। सो नाउ द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो डायग्राम आप अपनी जो भी बुक में दिया हुआ है उसको आपको लिखना है और बाकी आपको ये जो समझना है इसकी प्रोसेस क्या है, ठीक है। व्हेन द क्लाउड इज फुल ऑफ रेनड्रॉप्स, ठीक है, जब क्लाउड है वो पूरा मतलब रेनड्रॉप से फिल हो जाते हैं, सो द क्लाउड ब्रैक्स ओपन, तो क्लाउड जो है वो ओपन हो जाता है, द रेन फॉल्स आउट ऑफ द क्लाउड, और फिर रेनफॉल है वो क्लाउड के बाहर होने लग जाती है। इफ इट इज वेरी क्लाउड द रेन टर्न्स इनटू स्नो, जब बहुत ज्यादा क्लाउड होते हैं तो रेन किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, स्नो में और हेलिस्टोन्स में, ठीक है, और हेलिस्टोन्स में। जो क्लाउड आप देखते हो क्या है, वाटर वेपर है, ठीक है, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, हेल स्टोन्स में। व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सन आता है, ठीक है, इट इज वेरी हॉट, तो वो बहुत ज्यादा हॉट होता है, द सन ड्राइज अप ऑफ द रेन वाटर, तो सन क्या करता है, रेन वाटर को ड्राई अप कर देता है, देयरफॉर, तो इसी वजह से वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, वाटर जो है वो किसमें चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, क्योंकि सन की हीट इसको मिलती है, द वार्म एयर टैक्स द वाटर वेपर, और वार्म एयर क्या करती है, वाटर वेपर को लेती है, इनटू द sky, sky के अंदर चला जाता है वाटर वेपर, इट इज कॉल्ड इन द sky, और sky के अंदर ये कॉल्ड हो जाता है, द वाटर वेपर टर्न्स इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और ये जो वाटर वेपर है वो वाटर की ड्रॉप्स में चेंज हो जाता है, द ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक्स ए क्लाउड
और जो इस टाइप से ये जो वाटर की ड्रॉप्स होती है क्या बनाती है, क्लाउड बनाती है। द ड्रॉप्स बम्प इनटू वन अनदर, एक दूसरे से जो वाटर की ड्रॉप्स है वो टकराती है, एंड बिगर रेन ड्रॉप्स और बहुत बड़ी रेन ड्रॉप बनाती है। सून द रेन ड्रॉप्स आर वेरी बिग एंड वेरी हैवी, और फिर इस टाइप से जो रेन ड्रॉप्स है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है। द क्लाउड इज फुल ऑफ रेन ड्रॉप्स, और जो क्लाउड है उसमें पूरी तरह से रेन ड्रॉप होता है। द वाटर साइकिल स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन, और फिर इसी टाइप से जो वाटर साइकिल है वो पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है। ओके, और इसका डायग्राम जो है वो आपको बुक के अंदर से बनाना है क्योंकि बुक में आपको दिया हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट आर डैम्स रिजर्वियर एंड कैनाल्स। डैम्स रिजर्वियर एंड कैनाल्स वो क्या होते हैं। सो नाउ हियर यू कैन सी, नाउ डैम्स आर मेड ऑन रिवर्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, जो भी डैम्स हैं ठीक है वो क्या है, रिवर्स के ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है, जिससे वाटर जो है वो फ्लो ऑफ वाटर पे बनाए जाते हैं, रिवर पे। ठीक है, द वाटर गेट्स कलेक्टेड बिहाइंड द डैम्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज रिजर्वियर्स। ठीक है, और जो ये जो वाटर होता है ठीक है ये वाटर रिजर्वियर्स में कलेक्ट हो जाता है। वाटर फ्रॉम रिवर्स और रिवर्स से वाटर इज ऑल्सो सेंड टू एग्रीकल्चर एरियाज बाय डिगिंग कैनाल्स। ठीक है, और यहां से ये जो वाटर है ये कहाँ पे, जो एग्रीकल्चर एरिया होते हैं ये कैनाल्स के थ्रू यहां से सेंड किया जाता है। ठीक है, सो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, सो थैंक यू।